हेलो दोस्तों मैं हूं निर्मला मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मीठी सेवैयाँ तो सबको पसंद होती हैं लेकिन नमकीन सेवैयाँ खाने में बच्चे बड़े कभी कभी आना करने लगते हैं लेकिन आज मैं नमकीन सेवैयों की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो देखने में बहुत ही कलरफुल और एकदम खिली खिली होगी और यकीन मानिए इन हेल्दी और टेस्टी सेवैयों को खाने में अब कोई आना नहीं करेगा तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आपसे ये वेज सेवैयों की रेसिपी और यदि आप ये वीडियो इंजॉय कर रहे हैं तो मेरे ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें नमकीन सेवैया बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर तकरीबन एक लीटर पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे क्योंकि इस पानी के अंदर हम सेवैयों को बॉयल होने के लिए चढ़ाएंगे तो पानी में जब तक उबाल आता है हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर ऐड करेंगे एक टेबल स्पून घी सेवैयों का टेस्ट घी में बहुत ही अच्छा आता है लेकिन आप चाहें तो घी की बजाय तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब घी मेल्ट हो चुका है गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम डेढ़ कप सेवैयाँ तो रोस्टेड सेवैयाँ भी आती हैं और बिना रोस्ट की भी सेवैयाँ भी आती हैं लेकिन जब हम फ्रेश रोस्टेड सेवैयों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है तो मैंने यहाँ पर डेढ़ कप बिना रोस्ट की भी सेवैयाँ ली हैं और अब इन सेवैयों को इस पैन के अंदर डालकर लो फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए सेवैयाँ काफ़ी बारीक होती हैं और ये पकने में ज़्यादा समय नहीं लेती हैं और जैसे जैसे आप सेवैयों को घी के अंदर रोस्ट करेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू भी इनमें से आने लगती है और यदि आप रोस्टेड सेवैयाँ भी इस्तेमाल कर रही हैं तो इस तरह घी में एक मिनट के लिए उन्हें ज़रूर रोस्ट करें ताकि उनका फ्लेवर और भी बढ़ जाए तो देखिए सेवैयों पर हल्का लाल कलर आ गया है बहुत ज़्यादा भी इन्हें ओवर कुक ना करें तो इस तरह से जब सेवैयाँ रोस्ट हो जाएं तो हम डालेंगे उबलते हुए पानी में जिसे हमने पहले ही बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था और अब इन सेवैयों को पानी के अंदर बॉयल होने देते हैं सेवैयों को हम पूरा ही पका लेंगे इन्हें हाफ कुक नहीं करेंगे सेवैयाँ काफ़ी जल्दी से बॉयल हो जाती हैं और ये रोस्टेड भी हैं तो और भी कम वक्त लेती हैं बॉयल होने में तो देखिए सेवैयों की साइज काफ़ी बढ़ गई है बहुत ही अच्छे से ये उबल चुकी है तो हम इन्हें छान लेंगे छानकर पानी से हम अलग कर देंगे और इन्हें फैला देते हैं क्योंकि सेवैयाँ पूरी पकी हुई हैं तो इस तरह से जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इनकी शेप भी बरकरार रहेगी और ये मैश नहीं होंगी सेवैयाँ जब तक ठंडी हो रही है हम ले लेते हैं कढ़ाई कढ़ाई के अंदर दोबारा मैंने एक टेबल स्पून घी ऐड किया है आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब घी जैसे ही मेल्ट होता है हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच राई या सरसों आधा छोटा चम्मच ही ऐड करेंगे इसके अंदर जीरा आधा छोटा चम्मच ही ऐड करेंगे इसके अंदर सूखी चना दाल यानी ये भी कोई भी चना दाल नहीं है कच्चे चना दाल है और इसी तरह से आधी छोटी चम्मच ही इसके अंदर ऐड करेंगे उड़द दाल साथी साथ ही मैंने छः सात काजू के पीसेस को इस तरह हाफ कट करके लिया है तो इससे भी जो सेवैयाँ होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में और देखने में और अब हम ऐड करेंगे आठ से दस करी पत्ता इसके अंदर तो एकदम बढ़िया ताज़ा करी पत्ता का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और एक से डेढ़ मिनट के लिए सारी चीज़ों को हम पका लेते हैं तो जो काजू हमने डाले हैं वो भी रोस्ट हो जाएंगे तो इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा अब इस तड़के में से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है तो इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा इंच बारीक कटी हुई अदरक आप चाहें तो क्रश करके भी ले सकते हैं एक हरी मिर्च इस तरह बारीक काट कर ऐड कर लेते हैं तो ये भी थोड़ी देर इसी तड़के के अंदर पक जाएंगे तब तक जो काजू वगैरह हैं वो भी अच्छे ब्राउन हो जाएंगे तो बहुत ही सिंपल और टेस्टी नाश्ता होता है तो जब भी कुछ समझ ना आए कि नाश्ते में क्या बनाएं या खाने में क्या बनाएं तो एक तरह से ये पूरा कंप्लीट मील है जो सब्जियों से भरपूर है तो तड़का हमारा पककर तैयार हो चुका है अब इसमें कुछ सब्जियां हम ऐड करने वाले हैं तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज एक चौथाई कप कटी हुई बीन्स एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर एक चौथाई कप हरे ताज़ा मटर आधा कप ली है मैंने कटी हुई गाजर एक चौथाई कप कटी हुई शिमला मिर्च तो अब ये सब्जियां हम इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेते हैं सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर क्योंकि तो इसका कच्चापन जल्दी से नहीं जाता है तो पहले हम प्याज को थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए तो प्याज अच्छा ट्रांसपेरेंट हो गया है तो अब इसके अंदर हम बची हुई सब्जियाँ भी ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ऐड की है शिमला मिर्च गाजर ऐड कर लेते हैं साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर हरे मटर टमाटर ऐड कर लेते हैं लेकिन यदि आपको टमाटर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं कटाई के लिए आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं तो अब बीन्स भी ऐड कर ली है मैंने और अब इन सब्जियों को भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छा सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं क्योंकि सेवैयाँ हम पहले ही बॉईल कर चुके हैं अब इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे सब्जियां जल्दी से सॉफ्ट कुक हो जाएंगी और वैसे भी ये सीजनल सब्जियां हैं तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लेती हैं पानी वगैरह हमें कुछ नहीं डालना है क्योंकि इन सब्जियों में काफ़ी पानी होता है तो अपने आप ही अब पानी रिलीज़ करेंगी और उसी पानी और स्टीम के अंदर ये सब्जियाँ भी पक जाएंगी तो देखिए सब्जियां हैं वो थोड़ी श्रिंक होने लगी हैं और कलर भी चेंज होने लगा है तो एक बार बीच में हम चला लेंगे इसे चेक कर लेते हैं तो इस तरह जब हम सब्जी को तोड़ रहे हैं तो ये थोड़ी सी कसर इसमें और बाकी है तो दोबारा मैं कढ़ाई को कवर कर देती हूँ एक से डेढ़ मिनट के लिए सब्जियों को और पका लेते हैं तो ये डेढ़ मिनट हमने और पका लिया है सब्जियाँ अब अच्छे से पक चुकी हैं तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर एक चौथाई कप ताज़ा नारियल तो इस तरह कद्दूकस की आवा ताज़ा नारियल सेवैयों के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है नारियल को भी कुछ सेकेंड के लिए हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये उबली हुई सेवैयाँ इस तरह से जब हम सेवैयों को अलग से उबाल कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी खिली खिली सेवैयाँ बनकर तैयार होती हैं और अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैंने यहाँ पर तीखेपन के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें कोई भी पाउडर मसाले हम ऐड नहीं कर रहे हैं लेकिन यदि आपको मसाले ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं अपने तीखेपन के हिसाब से और चाहें तो आप इसमें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं तो उससे सेवैयों का स्वाद थोड़ा सा अलग आएगा लेकिन इस तरह से एक बार ये बिना मसालों की सेवैयाँ आप बनाएंगे तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहेंगी और टेस्टी भी काफ़ी लगती हैं अब सेवैयों को हमने सब्जी के अंदर काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारी चीज़ें अच्छी पकी हुई है अब बस दो तीन मिनट के लिए कवर करके हम लो फ्लेम पर इसे और पका लेते हैं ताकि सारा फ्लेवर सेवैयों के अंदर आ जाए तो ये कवर करके हमने और पका लिया है इसे और अभी भी देखिए काफ़ी अच्छी खिली खिली हैं तो इसमें और भी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक चौथाई कप भुनी हुई और इस तरह से क्रश की भी मूँगफली जिसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें और साथ ही डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हेल्दी और टेस्टी सेवैयाँ बनकर तैयार हैं और देखिए कितनी खिली खिली सेवैयाँ बनी हैं और इन्हें देखकर कोई खाने से मना ही नहीं कर पाएगा बल्कि बार बार बनवाएगा मेरे घर में नूडल्स बहुत ही कम पसंद की जाती हैं लेकिन जब मैं इस तरह से सेवैयाँ बनाती हूँ तो वो सबको बहुत ही पसंद आती हैं और मैं भी खुश हो जाती हूँ क्योंकि नूडल्स से तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं तो दोस्तों आप भी एक बार इस तरह से ये वेज सेवैयाँ बनाएँ और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कोरोने वीडियो के साथ तब तक हंसते रहिए हंसाते रहिए